मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े। Hey guys, welcome back to my channel Anandita Vlogs. This is me, your Anandita. I hope all are doing good. आज मैं आ चुकी एक नया वीडियो लेके. So आज का वीडियो मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल मेकअप लुक. So no more बकबक, let's start with the video. मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फुल फेस को पहले मॉइस्चराइज कर दूंगी विद लैक्मे पीच मिल मॉइस्चराइजर. हमेशा मेकअप स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने अपने फेस को अच्छे तरह से मॉइस्चराइज कर लिया होगा, फिर ही आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं. बिकॉज विदाउट मॉइस्चराइजिंग आपका फाउंडेशन, आपका मेकअप बहुत ही केकी लगेगा और बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. सो मेक श्योर हमेशा आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करें बिफोर मेकअप. आफ्टर मॉइस्चराइजर मैं मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ और फर्स्ट मैं लेने वाली हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर. दिस इज़ ब्लू हेवन प्राइमर फॉर बाय स्टूडियो परफेक्शन फॉर ऑयल फ्री एंड नॉन ग्रीसी लुक. पहले मैं अपने टी जोन में अप्लाई करूँगी, उसके बाद टी जोन से मैं अपने फुल फेस में ये स्प्रेड कर दूँगी. आफ्टर प्राइमर मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन. इसमें SPF 8 भी है. अभी अपने फुल फेस में मैं अप्लाई कर लूँगी. आफ्टर फाउंडेशन मैं अप्लाई करूँगी ये मेबलिन का कंसीलर. ये है इन द शेड हनी. सो मैं अभी अप्लाई कर लूँगी. बिल्कुल लग रही हूँ राक्षस जैसी इस जगह पर. आफ्टर कंसीलर में अप्लाई करूंगी ये एलिटिन का कॉम्पैक्ट पाउडर. जहाँ जहाँ पर मैंने अभी कंसीलर लगाए हैं बस उस जगह पर थोड़ा सा डैप करना होगा पाउडर, सो दैट आपका कंसीलर सेट रहे. आफ्टर कॉम्पैक्ट पाउडर मैं अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज़ करूँगी ये लैक्मे का आईब्रो पेंसिल. पहले मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी इसकी मदद से, उसके बाद ही मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी. मेक श्योर आईब्रो पेंसिल यूज़ करने से पहले आप अपने आईब्रो को इस तरह सेट कर लें, सो दैट आपका आईब्रो पेंसिल फिल होने के बाद भी आपका आईब्रोज बहुत ही नेचुरल और अच्छा लगे.
आफ्टर आईब्रो मैं अभी सबसे गॉर्जियस पार्ट में आने वाली हूँ। जो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है आई मेकअप। और आई मेकअप के लिए मैं ये मेघा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। मैं ये शेड लेने वाली हूँ इसमें से, ये लाइट शिमरी पिंक। मुझे ये पिंक बहुत ही क्यूट लगता है और ये मेरे ड्रेस से भी मैच होगा। आफ्टर आई शेडो में यूज़ करने वाली हूँ कलर केयर का आईलाइनर, और ये बहुत अच्छा है, ये वाटर प्रूफ भी है एंड मैं अभी ये अप्लाई कर लूँगी। आईलाइनर लगाने के बाद मैं अपने आईलिड्स को अभी हाईलाइट कर दूंगी विद दिस गोल्डन शिमरी। आफ्टर आई मेकअप मैं अभी यूज करूंगी ब्लश, और ब्लश के लिए लूंगी ये टेक्निक का मेघा ब्लश, और इसमें से मैं ये शेड लूंगी। आफ्टर ब्लशर में यूज़ करूंगी ये मेबलिन का हाइलाइटर। दिस मेबलिन हाइलाइटर मास्टर स्टॉपिंग स्टिक बाय फेस स्टूडियो, और इसका शेड है न्यूट। और ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है और मैं डेली बेसिस में और हमेशा ये यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसका जो ये है बिल्कुल शिमरी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लगता है आपके फेस में ग्लो। सो अभी अभी अप्लाई कर लूँ। आफ्टर हाइलाइटर में यूज़ करूँगी अभी लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ ये मैक का लिपस्टिक, और इसका जो शेड है ये बहुत ही क्यूट है, लाइट पिंक है, और मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद। सो गाइज आज का वीडियो यह तक ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नीचे एक छोटू सा बेल बटन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास जल्दी नोटिफाई हो जाए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले किसी व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।